आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। चतरा जिले की ईटखोरी थाना अंतर्गत प्रेम नगर में टाल पर एक ऐसा दुर्गा मंडप है जहाँ लगभग 300 वर्षों पूर्व से दुर्गा पूजा होती आ रही है। इनके वंशज में अभी मिथिलेश सिंह है जो इस परंपरा को कुछ मिला जुला कर चलाने का काम कर रहे हैं। इनके पूर्वज जो कभी राजा हुआ करते थे, आज दुर्गा पूजा में नियम है कि पहले इनके पूर्वज के गढ़ पर पूजा होगी, फिर मंदिर से ब्राह्मण एक पैर पर चलकर वंशज के घर तक एक पैर से चलकर आएंगे। उसके बाद वंशज मिथिलेश सिंह के घर से मिट्टी थोड़ा सा लेंगे और उस मिट्टी को लेकर दुर्गा मंडप तक एक पैर से चलकर आएंगे। उस मिट्टी को मंदिर में रखेंगे तभी कलश मंदिर और घर में स्थापित कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी को सबसे पहले वंशज के घर में केदली का बलि पड़ता है, उसके बाद ही पूरे ईटखोरी में बलि की प्रक्रिया शुरू होती है। उनके वंशज मिथिलेश सिंह ने पद्मा के राजा कामाख्या नारायण जी के द्वारा दुर्गा पूजा में भेजा गया आमंत्रण पत्र को भी दिखाया। पहले के समय की बनी दीवार कुछ दिख रही है तो कुछ जमीन में धस गई है। उनसे जब पूछा गया ईंट से दीवार के विषय में तो उन्होंने कहा कि उस समय सीमेंट नहीं मिलने के कारण यह दीवार राबा गुड़ बेल का गुड्डी चूना से मिलाकर बनाई गई है। राजा के समय की एक पहचान और है कि टाल पर बने शिव पार्वती के मंदिर जो उस समय की आज भी ग्रामीण लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ग्रामीण उस मंदिर को समय समय पर रंग पेंट और मरम्मत कराते रहते हैं। चतरा से जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आपका क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार सिंह। पिताजी का नाम? हर्ष नारायण सिंह, स्वर्गीय हर्ष नारायण सिंह। ये कौन सी जगह है? एक गढ़ के अंदर में हम लोग हैं। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पंडित जी जो यहाँ कलश उठाया वो बोल रहे हैं कि जब यहाँ बहुत वर्ष मतलब कि 250 वर्ष पहले से कलश पूजा हो रही है दुर्गा जी के यहाँ, क्या कारण है? खानदाने शुरू से यहाँ कलश रखाता है और यहाँ से पूजा चल रहा है अभी तक। तो क्या कारण आपके यहाँ से जैसे बोला जा रहा है कि मिट्टी आती है तभी कलश? जैसे दुर्गा मंदिर जो है वहाँ कलश रखाने के पहले यहाँ पंडित जी आते हैं एक पैर पर, यहाँ से एक पैर पर मिट्टी लेते हैं तो वहाँ कलश रखाता है। तो मिट्टी कहाँ से जाते हैं? हमारा घर के आंगना से, आंगन से। अच्छा, आंगन से ले जाकर मिट्टी कहाँ रखते हैं? वो मंदिर में रखते हैं। अच्छा, उसके बाद कलश रखते हैं। तो आप उन्हीं के वंशज में आप हैं? हाँ। कितने पीढ़ी होंगे और आप जैसे हम लोग नाम? हम हुए, हमारे पिताजी हुए स्वर्गीय हर्ष नारायण सिंह, उसके बाद उनके पिताजी थे देव नारायण सिंह और उनके पिताजी खेम नारायण सिंह थे। अच्छा, तो यहाँ शायद गढ़ भी था ना? हाँ, यहाँ ही बगल में ही देखिए गढ़। अच्छा, थोड़ा सा घिरा गया है फसल के चलते और तो गढ़ का बाउंड्री वहाँ एक दीवार भी देखा गया। बहुत दीवार बहुत ऊंचा अभी भी है, उसमें दीवार में थोड़ा सा घिरा गया है इसके चलते। दीवार कैसे बना? दीवार देख रहे हैं बहुत। दीवार पुराना जमाना बेल के गुद्दी और रावा गुड़ का छोवा जो होता है उससे और चूना। अच्छा, इससे पहले बनता था दीवार। जो यहाँ गढ़ बना हुआ उसी गढ़े का सामान से वो शिव मंदिर भी बना हुआ है। अच्छा, शिव मंदिर भी यही चीज से बना हुआ है। तो ये गढ़ तो पद्मा में भी है? हाँ। अच्छा, उस समय का कुछ ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ, ये है कामाख्या नारायण सिंह का जो लेटर हमारे यहाँ आता था। अच्छा, वो हम रखे हुए। अच्छा, लेटर वहाँ से भेजते थे? हाँ, वो पिताजी के पास लेटर आता था। अच्छा, उसके बाद पिताजी वहाँ जाते थे पद्मा दुर्गा पूजा में, वो भी अपना जाके। अच्छा, वहाँ के राजा इनको आमंत्रण? हाँ, आमंत्रित करते थे। अच्छा, तो जाते थे वहाँ पे? हाँ। तो अभी आप लोग उसी हिसाब से पूजा कर रहे हैं? हाँ। बलि शायद पहले क्या चीज पड़ती थी यहाँ? बलि पहले तो बहुत पहले बलि पड़ता था
कर्रू का। अच्छा। वो लोलम के लोग देते थे, लेकिन पिताजी सब के समय में फिर उसको चेंज कर दिया गया, भुआ केतारी ये सब का बलि भी होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतन कुमार पांडे है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामलखन पांडे है, उनके पिताजी का नाम देवा पांडे और उनके पिताजी का नाम जानकी पांडे। अच्छा। हम लोग पूर्वजों से इनके यहाँ का पुरोहित हैं। सबसे पहले इनका जो है गढ़ का पूजा होता है, गढ़वैया पूजा, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग कलश रखते हैं घर में, और घर में कलश रखने के बाद तब यहाँ से वो काली मंडप में, यहाँ का मिट्टी जो है काली मंडप में जाता है, वहाँ कलश स्थापना होता है। काली मंडप से ब्राह्मण जो है एक पैर पर आते हैं और यहाँ से मिट्टी लेकर के एक पैर पर जाते हैं, तो वहाँ कलश स्थापना होता है। उसके बाद फिर 9 दिन भगवती का पूजन आवाहन चलता है। उसके बाद यहाँ पे जो संधि बलि का जो प्रक्रिया है, संधि बलि का प्रक्रिया भी सबसे पहले इनके यहाँ होता है, तो ही पूरा इटखोरी प्रखंड में फिर संधि बलि का प्रक्रिया चालू होता है। सबसे पहले इनके यहाँ होगा, उसके बाद काली मंडप होगा, उसके बाद सब जगह चालू। अगर मान ली पहले यहाँ नहीं हुआ तो? अगर पहले लोग कुछ दिन पहले बीच में ये भी किए तो इससे देखा गया कि बहुत सारे नुकसान भी हुआ, इसके वजह से पुनः बीच में लोग किए भी कि संधि बलि वहाँ अपने मन से जैसे तैसे कर दिया, लेकिन पुनः जब नुकसान होने के बाद सबको पता चला कि नहीं इससे नुकसान है, तो पुनः फिर यहाँ से जाते हैं लोग, वहाँ पे बलि करते हैं, और वहाँ बलि होने के बाद तब उस दिन से फिर से सब शांति से फिर चलने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार पांडे हुआ। कौन सा जगह है ये? ये इटखोरी ताल पर है। यहाँ कब से दुरुपयोग उठ रही है? लगभग 2.5 से 3 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष। 300 वर्ष पूर्व हो गया ना? हाँ। चले हैं। इसके बारे में क्या विशेषता, क्या है यहाँ को ऐसा? विशेष यहाँ की यहाँ जो है ये गढ़वैया पूजा है। अच्छा। और राजा यहाँ पर पूजा करते थे, राजा का बलि का प्रथा शुरू से चलते आ रहा है और आज तक वो प्रथा निभाते आ रहा है, और अभी उनके जो वंशज हैं राजा के वंशज वो भी यहाँ बलि पूजा करते आ रहे हैं, और जितने भी जो भी कलश यहाँ बैठा जाता है, कलश को तैयार रखा जाता है, उस दिन राजा के यहाँ से मिट्टी ला करके कलश का स्थापना किया जाता है, और कलश में रखने के बाद राजा का भी पाठ शुरू होता है, और उसके बाद तभी हमारे यहाँ कलश रखाता है, और तब तक पश्चात पूरे गांव में कलश का स्थान दिया जाता है। उनके यहाँ का कोई और जो कोई है जो राजा के समस्या उनके यहाँ? हाँ, मिथिलेश सिंह। अच्छा। उनके वंशज में है, उनके वंशज में है, और उनके बेटा भी हैं जो पूजा पाठ करते हैं। कुमार। अच्छा। अभी बलि प्रथा तो खत्म हो गई होगी? नहीं नहीं, वो बलि मतलब वो बलि जो जीव बलि जो पूजा होता था वो समाप्त हो चुका है, बंद हो गया, वो बंद हो गया, लेकिन अभी फिलहाल मतलब राजा का जो प्रथा है वो लाके बलि के अभिवैष्णवी कर दिया गया है। अच्छा।